लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दो दिवसीय प्रवास पर कोटा में हैं। ओम बिरला ने कोटा बूंदी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और कई गांवों में सड़क मार्ग से पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही नुकसान का जायजा लिया। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के सीएडी सर्किल स्थित जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए। बिरला ने अधिकारियों को कोटा और बूंदी जिले में हुए बाढ़ से नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द सर्वे करवाकर लोगों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान बिरला ने कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण कोटा और बूंदी जिले में काफी नुकसान हुआ है। बारिश के कोहराम से पूरे गांव ही डूब गए हैं और कई कच्चे मकान गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। अधिकतम किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। मैं कल कोटा जिला और बूंदी जिले के गांव में गया था, वहां पर बड़ी संख्या के अंदर कच्चे मकान भी गिरे हैं, कुछ पक्के मकान भी गिरे हैं, फसलें नष्ट हो चुकी हैं, अभी भी पानी के इलाकों के अंदर भरा हुआ है। मैंने जिला प्रशासन दोनों जिला कलेक्टरों से कहा है कि पूरी किसानों का फसलों का सर्वे करें, मकानों का सर्वे करें, ताकि हम किसानों को उचित मुआवजा दिला सकें।